रख दो, यहीं रख दो नीचे, यहाँ 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 आगे 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 यहीं पे बस उलट दे।
गाइज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है ग्रीनरी का प्रोग्राम। ऊपर यहाँ बालकनी में ग्रीनरी रखनी थी, तो वो प्लांट्स जो हमने एरिका पाम है यहाँ पर वो लगा दिए हैं। तो चलिए आपको एक लुक दिखा देती हूँ। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में, और पूरी दोपहर ही हो गई मुझे हर हर चिक को यहाँ काम करते हुए, सारा काम हो गया। तो चलिए एक छोटी सी क्विक सी एक स्वीट सी लुक आपको दिखाती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो भी, बुरा लग रहा है तो भी, कुछ कमी है तो बताना कि क्या करें हम इसमें, और कुछ कमी नहीं है तो थोड़ी सी तारीफ भी कर देना। गमले रखे हुए हैं, ये डबल पॉट्स हैं, इसमें होल नहीं है और इसमें होल है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। इनका जो टेक्सचर है वो बहुत ही प्यारा है, मार्बल लुक है और पत्थर वाली लुक आती है इसमें। और ये बेंच पे मैंने यहाँ रख दिए हैं। तो अभी बेंच पर देखती हूँ कि मैंने बेंच पे ही रखूँ या नीचे रखूँ। तो बाकी अभी तो फ़िलहाल तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए पूरा ग्रीन नज़र आ रहा है यहाँ से, अगर आपको देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये पूरा ग्रीन है यहाँ पर। और ये देखिए पूरा एरिका पाम से मैंने ये एरिया भर दिया है। ये देखिए ये एरिया मैंने बिल्कुल एरिका पाम से भर दिया है, क्योंकि एरिका पाम हमारा इंडोर प्लांट होता है और बहुत ही इजीली चल जाता है, और ऑक्सीजन का एक बहुत ही अच्छी मशीन होती है, ऑक्सीजन सोर्स होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन देता है ये बोलते हैं और एरिका पाम को। तो एरिका पाम बस मैंने इसी वजह से चूज़ की है। और यहाँ बच्चों का रूम है, तो यहाँ ग्रीनरी नहीं थी, पहले मैंने लगाई हुई थी लेकिन यहाँ बीच में फिर यहाँ से ग्रीनरी सारी हटा दी, और अब फिर से मैंने यहाँ पर ग्रीनरी ऐड कर दी है गर्मियों में। और यहाँ पर कुछ ऐड कर दिए मैंने इस तरह के ये प्लांट्स, ये देखिए हैंगिंग में इस तरह से, यहाँ देखेंगे तो आप, ये यहाँ मैंने लगाई है टर्टल वाइन, यहाँ लगाया मनी प्लांट, और यहाँ पर नीचे एक और हैंगिंग में है मनी प्लांट लाल, और ये क्या बोलते हैं इंग्लिश आईवी ये है, और नीचे का है मेरा ये वाला लुक। तो जो एरिका पाम नीचे वाले थे वो भी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं अभी। तो नीचे के लिए और देखते हैं अभी क्या हम लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे। तो हमेशा मैं ऐसे ही चेंज करती रहती हूँ प्लांट्स को। तो बस बताइए, ये नीचे से लुक और दिखाती हूँ मैं आपको कि नीचे से कैसा लगेगा हमारा ये वाला एरिया, ठीक है? तो चलिए नीचे चलते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइज ये देखिए, ये है हमारा फाइनल लुक। और ये ऊपर जो है रेलिंग मैंने पूरी एरिका पाम से भर दी है। ये देखिए इसमें लगे हुए हैं यहाँ पर आई थिंक 7, 8 या 9 पेड़ लगे हुए हैं एरिका पाम के। और इधर लगा दिए मैंने हैंगिंग वाली टर्टल वाइन है, इंग्लिश आईवी है, ये देखिए ये वाली लुक। तो जो ये टर्टल वाइन है ये नीचे हैंग होकर आएगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है ये, और सारा लुक खूबसूरत लुक दे रहा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि जब हम किसी काम को अपने घर में करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। मुझे और आर्चिक को बहुत मेहनत लगी इसे करने में, हमें पूरी दोपहर हो गई है ये सारा सेटअप करने में। हमने यही अंदर ही मिट्टी बनाई है, क्योंकि दिन में बारिश आ रही थी और बाहर धूप भी हो जाती है, अब धूप में घर बाहर काम नहीं होता है, तो इसी वजह से हमने यहाँ अंदर सारा फैलाया और जब किया। और ये वाला जो प्लांट है ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी ग्रीनरी है, और अगर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ भी ग्रीनरी है, ये देखिए। तो पौधे चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे घर में, चारों तरफ ही पौधे हैं। मुझे पौधों का बहुत शौक है। ये जो नीचे ग्रास है ये आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई है, और यहाँ पर भी पौधे हैं, जगह जगह मैंने मनी प्लांट्स लगाए हुए हैं, और ऊपर लगा दिया है मैंने इस तरह से ये प्यारा सा और खूबसूरत सा व्यू। तो भाई ग्रीनरी तो हमेशा आई थिंक सबको ही अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी। तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आगे वीडियोस बनाने का भी मन करता है। तो आप भी पौधे लाइए, पौधे लगाइए, और इसी तरीके से अपने घर को आप ग्रीन बना सकते हैं। ये देखिए,